नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई, अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए जो विदेश जाना चाहते हैं। जी हां साथियों, हरियाणा की सरकार ने एक अच्छा कदम उठाते हुए एजेंटों पे लगाम लगाने के लिए, एजेंटों की कसने के लिए, जी हां साथियों, कि ये फ्रॉडबाजी सबसे ज्यादा होता है आपको पता है, खास तौर से हरियाणा पंजाब में तो गढ़ है पूरा फ्रॉडबाजी का। विदेश जाने के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, एजेंटों के चक्कर में मोटा पैसा लेने के बावजूद भी उनको विदेश नहीं भेजा जाता, पैसा लोग खा जाते हैं। जी हाँ, और अगर भेजा भी जाता है तो बताए कुछ और जाता है, मिलता कुछ और जाता है, वीजा कौन सा होता है, पैसा कौन से लिए जाते हैं, और ठगी भी लाखों में होती है। इन सबको इस कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार ने, मैं बता दूं, कबूतरबाजी पे नगेल कसने के लिए एक SIT गठित किया। जी हां साथियों, इसका नाम बता दूं, विशेष जांच दल। इसमें 6 SP स्तर के पुलिस डिपार्टमेंट विभागों को नियुक्त किया गया। आपको पता है भाई, पंजाब के जो हरियाणा के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं, आपको पता है कितना खतरनाक आदमी है वो, बैंड बजा देता है, तुरंत सस्पेंड कर देता है, तुरंत प्रभाव से। और इंडिया में शायद ऐसा पहला बंदा मैंने देखा है गृह मंत्री हरियाणा का जो ऑन स्पॉट सस्पेंड कर देता है, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, हो सकता है कहीं पे हुआ होगा। उन्होंने ये सख्त बीड़ा उठाया है हरियाणा के लोगों को रोकने के लिए। उन्होंने एक साइड भी बताई है कि उस साइड पे जाके हरियाणा में लगभग 15 मैनपावर ऑफिस हैं। जी हाँ, वहाँ पे आप उनके थ्रू जाएं, जो सरकार द्वारा रजिस्टर्ड मैनपावर ऑफिस हैं, उनके द्वारा आप विदेश जाओगे तो आपके साथ चीटिंग नहीं होगी। जी हाँ, इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाके आप उनकी लिस्ट देख सकते हैं, रोज उन्होंने बोला कि अपडेट होती रहेंगी। प्रदेश की वेबसाइट भी है, हरियाणा सरकार की वेबसाइट भी उन्होंने अलग से डाली है, नियम कानून कायदे पूरे उसमें बताए गए, उसके हिसाब से आप जाओगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। SIT प्रमुख बताया कि रोज इससे रिलेटेड अपडेट आप लोगों को किया जाएगा, वेबसाइट को आप रोज अच्छी तरीके से रेड करते रहिए। इसमें मैं बता दूं, हरियाणा में भिवानी है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, करनाल, सिरसा और कुरुक्षेत्र के एजेंट शामिल हैं। जी हां, इन एजेंटों के साथ आप मिलके ये मैनपावर ऑफिस में जाके इनके द्वारा, भैया कोई कंट्री का अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो इनके द्वारा जाइए। हरियाणा सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा कि पंजाब सरकार से भी सख्त रवैया अपनाए भाई। इसका मेन श्रेय जाता है जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो सख्त आदमी है, मैंने काफ़ी सारे उनके वीडियो भी देखे हैं, काफ़ी सारी उनकी न्यूज़ भी पढ़ी है भाई, वहाँ के CM तक टकरा जाते हैं वो, उनको भी अगर गलत है तो गलत है। वो बंदा एकदम नाइस बंदा है, पिछले साल भी वही था, इस साल भी वही है, तो अच्छी बात है ये आप लोगों, आप जैसे लोग जो, लेकिन भाई ये तो पढ़े लिखे लोगों पे लागू होगी ना ये बात, गरीब लोग जो अनपढ़ कैटेगरी के हैं उनको ये ही नहीं पता कह कैसे होता है, वो कहाँ तो वेबसाइट पे चले जाएंगे, कहाँ से देख लेंगे। उन लोगों को भाई आपके लिए मैं हूँ, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैन पावर लिस्ट मेरे पास भी है, मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आप जिस भी जिले में रहेंगे उसी जिला की, मैं तो हर बार बोलता हूँ कि आपका जो जिला है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो स्टेट है, उसी लेवल के एजेंटों से कॉन्टेक्ट करें, ताकि कल को आपके साथ कोई गलत हो तो भी उसमें सुधार किया जा सकता है। आप 1000 किलोमीटर दूर जाके उनसे कॉन्टेक्ट कर लोगे तो क्या सुधार होगा, कोई सुधार नहीं होगा। बस इसीलिए जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।